आजकल सबसे ज़्यादा जो है गोरे होने के लिए त्वचा पर विशेषतर जो है लोग जो खर्च भी कर रहे हैं, और जितने सारे जो इंडस्ट्रीज हैं आज कॉस्मेटिक में जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, अंदर से हम स्वस्थ नहीं रहना चाहते, मन से स्वस्थ नहीं रहना चाहते, लेकिन बाहर से इतने सारे जो है आडंबर इतनी सारी चीज़ों का जो उपयोग करते हैं। लेकिन इस पर ही जो मैं एक ऐसा नुस्खा आपको बताने वाला हूँ जो नेचुरल तरीके से जो है आप अपनी त्वचा को, अपने रंग को, और जो है आप जो ब्यूटिशियन जो इतने सारे जो पैसे खर्च करते हैं उस पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे मेन आपने देखा होगा कि जब गाँव में शादियाँ होती हैं तो उस समय क्या किया जाता है, एक जो प्रथा होती है हल्दी लगाने की, उपटन करने की। तो उपटन में होता क्या है, हल्दी होती है, एक आटा होता है और थोड़ा सरसों का तेल डालकर जो है उसके शरीर पर जो है लगाकर उसको उपटन किया जाता है, और उसका लेप करके उसके बाद धीरे धीरे जो आटा होता है तेल के माध्यम से आटा चिपकेगा नहीं, और आटा और हल्दी जो है उसको पूरी तरह से जो मेलनिन है या जो कड़ है या धूल है या जो भी जो रंग जो मतलब कालापन है उन सबको क्या कर वो क्या करेगी, हल्दी सब उन चीज़ों को क्या है बाहर निकाल लाती है। तो हल्दी जो है सबसे मेन है। तो इसी तरह से जो है हम हमेशा प्रयोग क्यों नहीं करते, हमेशा लगाइए, कभी भी लगाइए। और इसके अलावा दूसरा नुस्खा सबसे बढ़िया कि आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन चलो इसमें ऐसा लगता है तो दूसरा तरीका है कि आप सीधा हल्दी लीजिए और जैसे थोड़ी सी मलाई, जिसे लोग गांव में जारी भी कहते हैं, या मलाई जैसे दूध की जो थोड़ी सी आधी चम्मच या थोड़ी सी लेकर हल्दी पर जो है मतलब पेस्ट पे जो रखिए, बन गई क्रीम आपकी, आप उसको लगाइए चेहरे पर, कुछ देर रखिए 10-15 मिनट आधे घंटे, उसके बाद चेहरे को धो लीजिए, तो आप पूरी तरह से आपकी त्वचा खिली रहेगी और आप गोरे भी होंगे और आप जो है रंगत भी बढ़ेगी। ये तो हो गया बाहर की बात। अंदर के लिए आप अधिक से अधिक जो है फल, सलाद, नारियल पानी और पानी, इन सब का प्रयोग करें, प्रसन्न रहें, योग करें, व्यायाम करें, तो आप जो है अंदर से भी आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी त्वचा भी सही रहेगी और बाहर से भी रहेगी। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं एक नई जानकारी में, सभी साथियों को नमस्कार।